ಗಡಿ ವಿವಾದ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಮ್ಮಖದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮತ್ತು ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಶಾ ಅವರೆಯ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳು ಸರ್ವೋನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಿರುವ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಬರುವವರೆಗೂ ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಿಲ್ಲ ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ತಲಾ ಮೂವರು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಆರು ಸಚಿವರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವುದು ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಗಡಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಭೆಯ ನಂತರ ವಿವರಿಸಿದರು दोनों पक्षों के साथ भारत सरकार के गृह विभाग के ऑफिसर की उपस्थिति में बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक अप्रोच रखा है और कुल मिलाकर इस बात पर सहमति हुई है कि डिस्प्यूट के रास्ते और डिस्प्यूट का समाधान लोकतंत्र के अंदर रोड पर नहीं हो सकता संविधान सम्मत मार्ग से हो सकता है तो अतः तो कुछ फैसले हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा दूसरा दोनों राज्यों के मिलाकर दोनों ओर से तीन तीन छह मंत्री बैठेंगे और इस पर डिटेल नीचे तक परकोलेशन किस प्रकार से हो इसकी चिंता और चर्चा करेंगे छोटे छोटे और कई मुद्दे भी है दो राज्यों के बीच में जो पड़ोसी राज्यों में आमतौर पर देखे जाते हैं ऐसे मुद्दों का निवारण भी ये तीन तीन मंत्री दो और से जो है वही करेंगे दोनों राज्यों में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक रहे अन्य भाषा भाषी आबादी को या तो यात्रियों को या व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े इसके लिए एक सीनियर आईपीएस अफसर की अध्यक्षता में दोनों राज्य कमिटी बनाने के लिए सहमत हुए हैं जो कानून और व्यवस्था को संविधान के हिसाब से ठीक रखने में प्रयास करेंगे जब मामलों की चर्चा भी हुई तो ये भी ध्यान में आया है कि पूरे मामले में फेक ट्विटर ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है कुछ फेक ट्विटर्स सर्वोच्च नेताओं के नाम से जनरेट किए गए और इसको फैला दिए गए हैं और ये मामला बहुत गंभीर इसलिए है कि इस प्रकार के ट्विटर से दोनों ओर की जनता की भावनाएं उद्देलित होती है और घटनाएं जन्म लेती हैं तो तय हुआ